हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, योर वर्कशीट नंबर 12.3। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपके पास यहाँ पे ए और बी की वैल्यू गिवन है, आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को एक्सप्रेशन में पुट करना है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लास्ट में। क्लियर? सो पार्ट ए की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2a + 2b दिया हुआ है, तो ए की जगह क्या पुट करेंगे आप 0, और बी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1। सो 2 ए के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे और बी के प्लेस पे -1, देन आप इसको सॉल्व कर देंगे। 2 × 0 इज 0 एंड 2 × -1 इज -2। सो योर आंसर विल बी -2। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, हमने जो इससे पहले भी सॉल्व किए हैं, तो आप बस सिंपल आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बाकी तो बहुत ईजी है। 2a² + b² + 1, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या पुट करना है 0, और बी के प्लेस पे क्या पुट करना है हमने -1^2n+1। अब 2 × अब 0 की पावर कितनी भी हम कर लें तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। 2 × 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही बन जाएगा, प्लस अब -1 की पावर है 2, 2 इवन पावर है तो ये नंबर कैसा हो जाएगा प्लस का। सो 1 + 1 इज़ 2, सो 2 इज़ योर आंसर। नाउ मूव टू द पार्ट 3, 2a² + 2ab² + ab। तो यहाँ पे भी आपको a की जगह 0 पुट करना है और b के प्लेस पे -1 पुट करना है। क्लियर? सो 2 a के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो पावर 2 एंड b के प्लेस पे -1, प्लस 2 a के प्लेस पे 0 एंड b के प्लेस पे -1 की पावर 2, प्लस ए के प्लेस पे 0 एंड बी के प्लेस पे -1। अब देखा जाए तो इस क्वेश्चन में देखो कोई सिंपलीफिकेशन वाला कुछ है ही नहीं, जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है 0, तो ये भी 0 + 0 + 0, सो योर आंसर विल बी 0। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट पार्ट की इस क्वेश्चन की, a² + ab + 2। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है 0 एंड बी के प्लेस पे क्या पुट करना है -1। 0 की पावर क्या हो जाएगी 2, प्लस ए कि वे भी 0 हो जाएगा, b की वैल्यू -1 + 2, दिस बिकम 0, नाउ अगेन दिस बिकम 0 एंड दिस इज 2, सो योर आंसर विल बी 2। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 2 दी हुई है, आपको गिवन एक्सप्रेशन में जस्ट पुट करनी है एंड आपको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? सो पार्ट ए की बात करते हैं, x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 2, 2 + 7 + 4 2 - 5, सोल्व करेंगे 2 + 7 = 9 प्लस 4, अब ये क्या हो जाएगा 2 - 5, तो क्या हो जाएगा -3। जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो हमेशा हम पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो ये मैंने पहले आपको कर दिया, हो सकता है कि आप ये स्टेप ना ही करें तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 - क्या हो जाएंगे यहाँ पे 12, सो 12 - 9 क्या हो जाएगा 3, एंड साइन कैसा आएगा नेगेटिव का, -3 इज़ योर आंसर। नाउ मूव टू द पार्ट 2, अगेन आपको पुट करना है यहाँ पे x की वैल्यू 2, सो 3, 2 + 2 + 5, x के प्लेस पे 2 एंड -7, सो 2 + 2 क्या होता है यहाँ पे 2 + 2 = 4 हो जाएगा, प्लस 5 × 2 = 10 एंड -7, 3 × 4 = 12 और ये क्या हो जाएगा +10 है और -7 है, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3, सो 12 + 3 = 15 इज योर आंसर। क्लियर? नाउ मूव टू द पार्ट 3, 6x + 5x - 2, यहाँ पे भी आपको पुट करना है x के प्लेस पे 2। क्लियर? 6x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे प्लस 5x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे -2, सो 6 × 2 = 12 + 5 2 - 2 = 0, सो 12 + 5 × 0 = 0, सो योर आंसर विल बी 12। क्लियर? नाउ मूव टू द पार्ट 4, 2x के प्लेस पे क्या पुट करना है 2 - 1 + 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा +11, नाउ 4 × 2 = 4 - 1 + 3 × 2 = 6 + 11, सो 4 - 1 = 3, 3 × 4 = 12, प्लस 6 × 11 क्या हो जाएगा आपका 17, नाउ ऐड दिस 2, सो योर आंसर विल बी 29, सो 29 इज़ योर आंसर। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5 and 6 फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 12.3, एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।